हाल ही महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट पर निसर्ग नाम के चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया है। इससे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम के चक्रवात ने कहर बरपाया था। इसमें आज हम बात करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं और अलग अलग चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज आप रोजाना देख सकेंगे। देखिए, चक्रवात एक वायु संगठन का तूफान होता है। गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की वजह से हवा गर्म होकर कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। एक गर्म हवा तेजी से उठने लगती है और ऊपर जाकर एक गर्म हवा संघनन से बादल बनाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के कारण नीचे कम वायु दबाव का क्षेत्र बन जाता है और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की मौजूद हवा चारों तरफ से घूमते हुए इस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है और फिर से ये हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो ओवरऑल इसी तरह से चक्रवाती तूफान पैदा होते हैं। चक्रवाती तूफान में घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है। चक्रवाती तूफान का व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक हो सकता है। इसमें वायु घूर्णन 90 से 130 मील प्रति घंटा तक हो सकता है। इसमें हवा की रफ्तार 100-150 इतना ही नहीं 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। चक्रवातों को साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून भी बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। वहीं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवातों की घूर्णन की दिशाएं अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूमते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। इन चक्रवातों को अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। साल 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। नामकरण प्रक्रिया के लिए एक सूची बनाई है। इस सूची में 8 देश शामिल हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बाद में 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और एमएन को शामिल किया है। ये देश आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। इनमें से हर देश के पास चक्रवातों के नाम पहले से ही मौजूद होते हैं। जब किसी देश में चक्रवात आ जाता है तो सूची में इन देशों का पहले अक्षर के अनुसार क्रम होता है। क्रम के अनुसार जिस देश की बारी आती है वो देश नए चक्रवात को नाम देता है। इसके बाद जो चक्रवात आएगा उससे सूची में आने वाला अगला देश नामकरण करेगा। चक्रवातों को अलग अलग नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि चक्रवातों को पहचानने में आसानी हो और उनकी गंभीरता को जान सकें। तो चले मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।